नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में, यानी कि साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 10 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 11वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर है आपका बल तथा दाब। तो इस चैप्टर को बड़े अच्छे ध्यान से सुनिए। लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है, आपके पढ़ने का जो भी उद्देश्य होता है, वो बता दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है आपकी। कक्षा 7वीं में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी-कभी यह अपनी गति का की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को याद करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है, अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रयास कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं ये या फिर प्रहार करते हैं, तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर लगाया जाता है बल, उन पर क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, गोली गोल को बचाते हुए, ये हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए, बल आकर्षण या अभिकर्षण, उठाना खेल खोलना बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो पुरा कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य पुरा वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है? क्या इन शब्दों की जगह एक प्रयादिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए हैं। आप इनमें कुछ ऐसे ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं तथा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दिशा में कार को धक्का देना या खींचना के रूप में पहचानी तथा सारणी में लिखी है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया। इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे, उन्हें आपको बड़े अच्छे से पढ़ के निकल जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, मेज पर रखी हुई पुस्तक गतिशील बनाना, धक्का देना, खींचना, उठाना, आकर्षण, अभिकर्षण। हाँ, क्या आप ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या फिर आकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अपकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित करना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या फिर खिंचाव यानी कि आकर्षण को बल कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार्य के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार्य गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को उसे धक्का लगाना लगाते रहना होगा। चित्र 13.3 तीन स्थितियां दर्शाएंगे इसमें, जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है? चित्र 10.11.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए चित्र 11.3b में लड़कियों का एवं एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार चित्र 11.3c में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बात करते हैं बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 11.2 11.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। 11.2 इस तरह भी, क्या इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? क्या आपने कभी रस्सा कसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। 11.5 चित्र की तरह इस तरह से दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्ता बिल्कुल नहीं खींच सकता। क्या यह चित्र 13.11.3b में दर्शाई गई स्थिति की समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जोड़ जाते हैं। जैसे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाए जा रहे हैं, वो जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप अपने मित्रों से भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं तो आपने क्या देखा? याद कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा है कि एक बल
एक बल दूसरे बड़ा या छोटा या फिर बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रयास से परिणाम परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते हैं समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल का कार्य करता है। यह भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। बात करते हैं बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 11.3। रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसे किसी समतल सतह के जैसे मेज पर या फिर कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए 11.6 की तरह, इस तरह से। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती या फिर घटती है? अब अपनी हथेलियों को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करेगी हथेली को हटा लीजिए। क्या आपको हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या फिर घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या हुआ? आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। अपेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूं कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। देखिए इस तरह से बचपन में चलाया होगा आपने। बचपन आगे चलते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए इसे भी ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 11.4। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए इस तरह से। अब चित्र 11.8b में दर्शाए अनुसार उसके रास्ते में एक परमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या परमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराए तथा प्रत्येक बार परमाने को इस प्रकार रखिए कि एक गतिशील गेंद की पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में परमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। अब आप कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रयास विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके
गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए पूरी कहानी इसलिए गढ़ी गई एक लाइन के लिए, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसे समझाने के लिए आपका पूरी कहानी गढ़ी गई है। गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव भी किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करें। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। बात करते हैं बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है क्या? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्रियाकलाप 11.5। सारणी 11.2 के स्तंभ एक में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती हैं। सारणी के स्तंभ 2 में 2 में विधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाए जाते हैं, चित्र, गति की अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर, साइकिल की गद्दी पर लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर इस तरह, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, एक बाल लटका कर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर परिवर्तन। सारणी 11.2 में के पिक्चरों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गुथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। क्या है, देखिए क्या है कि इन सभी पॉइंटों को पकड़ना है और निकल जाना। और देखिए पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक क्या किस लिए दी गई, बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है याद रखिए, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ये सभी आपकी बल की विशेषताएं हैं। ठीक है, यह स्मरण रखना आवश्यक है कि एक भी बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है।
अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। इतना मत है आपकी बल का। अब बात करते हैं संपर्क बल, पेशीय बल। क्या मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु या जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियात्मक लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। समझ में आए? पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मोड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशीय बल कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों अथवा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए भी पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है बैलगाड़ी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या आपके यहाँ अभी भी बैलगाड़ी चलती है, अभी भी आप इस तरह से देखते हैं बैलगाड़ी को? चलिए बताइए, बैल तो देखते होंगे, गाड़ी भी बताओ। आगे चलते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करते हैं। घर्षण। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में आप रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद करने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल की दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण आपका घर्षण बल है। फर्श तथा गेंदों की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण यानी कि खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में यानी कि अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए इसका भी पता लगाते हैं। असंपर्क बल, चुम्बकीय बल, क्रियाकलाप 11.6। छड़ चुम्बकों का एक युग्म लीजिए 11.10 में इस तरह।
चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को तीन गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलों रोलर पर रखिए। अब आप दूसरे चुंबक के एक्सरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। क्या बेलना पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने की पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाली चुंबक की दिशा में गति करता है? यह अपेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य कर रहा है? कक्षा 6वीं में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक आपका उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल का उदाहरण है। बात करते हैं स्थिर विद्युत बल। क्रियाकलाप 11.7। एक प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए। इसको लगभग दो बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। चित्र 11.11 की तरह। अब स्ट्रा के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए। इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक सीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़ते हुए सिरे को लटकते हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे का कागज की सीट से रगड़िए। फिर से दूसरी स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की सीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रा दूसरे स्ट्रा को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रा भी कागज की सीट से रगड़ा जाए तो यह उसे प्रतिकर्षित करता है। कागज की सीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रा विद्युत स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल आपका स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसके लिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे महत्वपूर्ण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट इस है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं लोग। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं
पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व की मैं सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या फिर बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है आपका। ठीक है, बात करते हैं दाब। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल बल घर की छतों को भी उड़ा ले जाते हैं। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए इसका भी हम लोग पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? इस तरह से सब्जियों को किसी कुंडे चाकू या उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, किसमें आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसानी बनाने में भूमिका निभाता है? किसी पेस्ट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। किसी पेस्ट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आपका दाब कहलाता है। देखिए इतनी सी बस लाइन के लिए आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक कहानी दी गई है। दाब, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यहां पर हम केवल उन बलों का विचार करते हैं जो उस पेस्ट के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करें। अब हम मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिए कि उपयुक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। क्या है? हर में है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पेस्ट का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीकी पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुखाने सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों या गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल दाब क्रियाकलाप 11.8। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तर स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? देखिए इस तरह से किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 11.9 के बारे में। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप
आप पानी या मृदु पेय सॉल्ट ड्रिंक के उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्त 11.15 कि चित्त 11.15 इस तरह से 11.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना सूखे से। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुख को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की सीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई रबड़ की सीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की सीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट को बर्तन के नीचे इस तरह से करना नहीं बल्कि पास में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ सीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। क्रियाकलाप 11.10 प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशाओं में चार सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे से समान ऊंचाई पर हो। चित्र 11.16 की तरह इस तरह से। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? क्या यह दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं? द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उनकी दीवारों पर दाब डालते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? स्मरण कीजिए यानी कि याद कीजिए। यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब को अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उनकी दीवार पर दाब डालती हैं। हम क्या कह सकते हैं? गैस जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के सावरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने। अब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इकाई का क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है? आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। क्रियाकलाप 11.11 एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पेस्ट पर जोर से दबाइए। क्या यह पेस्ट की चिप से चिपक जाता है? इसको खींचने पर पेस्ट से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? देखिए एक पेस्ट पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप अथवा पेस्ट के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है।
चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पेस्ट के साथ चिपक जाता है। चूसक को पेस्ट से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इसकी क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पेस्ट के बीच में से समतल वायु समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पेस्ट को खींच कर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? एक 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला लगभग बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने की एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल देखते तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग ना कर सके। देखिए अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़ों की तस्वीर। तो इस अध्याय में आपने क्या जाना है? प्रमुख शब्द वायुमंडलीय दाब जाना है, संपर्क बल के बारे में जाना है, स्थिर विद्युत बल के बारे में जाना है, बल के बारे में जाना है, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशीय बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण या खींचना, अपकर्षण, धक्का देना। याद रखिए अगर आप लोग अध्याय खत्म हो जाता है और आप इन सभी शब्दों की परिभाषा देने में सक्षम हैं तो आपने अध्याय बेहतर तरीके से पढ़ा है, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान रखकर तो आप सभी इन शब्दों को समझ चुके होंगे। आपने क्या सीखा है? बल धक्का देना, आकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। इति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवार पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी अध्याय से संबंधित आपके प्रश्न है अभ्यास के लिए और आपकी पीडीएफ जो थी वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके रख लें अपने पास। अगर कभी टाइम मिले तो उससे एक आध बार पढ़ लें या फिर आप लोग इकट्ठा अभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग 11वें चैप्टर पर चल रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि 12वां चैप्टर लगातार पढ़ लें तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और निकल जाएंगे। तो ये आपका 11वां चैप्टर था। 12वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे घर्षण के बारे में, कैसे घर्षण के बारे में। ठीक।